टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में महंगाई में 12 जुलाई को जारी किए जाने वाले आंकड़ों में बड़ा उतार चढ़ाव दिखने के आसार कम है। वहीं आकलन के मुताबिक सरकार की तरफ से किए गए तमाम उपायों की वजह से जून महीने में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई की रफ्तार को काबू करने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है और इसमें ज्यादा बढ़त की आशंका नहीं है। ऐसे में महंगाई 7% के आसपास ही रह सकती है। मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई दर 7.04% थी। महंगाई के ज्यादा न बढ़ने के पीछे एक वजह यह है कि सरकार की तरफ से आए गए पेट्रोल और डीजल के दामों में ट्रांसपोर्टेशन की लागत काफी घटी है, जिसका सीधा असर सभी वस्तुओं पर देखने को मिल सकता है। खाने पीने से जुड़ी कुछ चीजों के दाम में तेज बढ़त देखी गई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की लागत घटने से बढ़ते दामों का बड़ा असर आंकड़ों में नहीं दिखाई दिया। वहीं बता दें कि अप्रैल और मई 2020 के मुकाबले जून 2022 ढुलाई भाड़े में व्यापक तौर पर कमी देखी गई। वहीं 159 रूट पर ट्रांसपोर्टर से बात की जो अलग अलग चीज़ों की ढुलाई करते हैं। इन रूटों में से जून में 144 में भाड़ा घटा है, वहीं केवल 12 में बढ़ा है। वहीं मई में 41 और अप्रैल में 143 रूटों पर भाड़ा बढ़ा था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जून महीने में सामान की आवाजाही की लागत घटी है। वहीं जून महीने में कई सब्जियों की कीमत जरूर ऊंची बनी रही। खाने के तेल के दाम में आई नरमी की उम्मीद से खाने पीने की चीज़ों की कुल महंगाई पिछले महीने के आसपास ही बने रहने के आसार हैं। उपभोक्ता मामले के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आटे की महंगाई में मई में 0.07% से ये बढ़कर जून में 2.1% पर पहुंच गई। सब्जियों में टमाटर के दाम भी 20% से ज़्यादा चढ़े हैं। इसके अलावा आलू के दाम करीब 10% और प्याज 2.5% के करीब महंगा हुआ है। खाने के तेल के दामों में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। साथ ही दालों के दाम में भी मामूली गिरावट रही है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा मई के आखिरी में पेट्रोल और डीजल के ऊपर से घटाई गई एक्साइज ड्यूटी के चलते मई के मुकाबले जून में पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर महंगाई के पिछले महीने के आसपास ही बने रहने के आसार जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।